नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी सिंह और आप देख रहे हो एसपी स्टोन वर्किंग। दोस्तों, ये जो फर्मा आप देख रहे हो ये 45 डिग्री कांतरा काटने का फर्मा है और इसको हमने कैसे बनाया है वो सारी डिटेल हम आपको आज इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए डाली थी तो उस पर आप लोगों के काफ़ी कमेंट आए थे कि भाई इसका फर्मा आपने कैसे बनाया है, इसकी संपूर्ण जानकारी दो। तो दोस्तों, चलिए आज मैं आपको इसको बनाने की संपूर्ण जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 3 प्लाई के टुकड़े लिए हैं जिनकी लंबाई यहाँ पर आप देख सकते हो, लंबाई है इनकी 7 इंच, जो कि हमारी मशीन की प्लेट 7 इंच की होती है तो उतना ही हमने लिया है। इसकी चौड़ाई है 130 mm। दोस्तों, दूसरा जो हमारा प्लाई का टुकड़ा है इसकी चौड़ाई 110 mm की है, लंबाई वही 7 इंची की है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने इनको 30 डिग्री पर हमने इनका यहाँ पर टेपर किया है, रद्दा के सहारे से हमने इनको टेपर किया है। तीनों टुकड़ों को हमें इतना ही 30 डिग्री टेपर करना होगा। इसके बाद में हम इसका एक त्रिभुज टाइप में हमें इनको फेविकॉल और कीला ठोककर हम इनको फिक्स करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो और ला सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो मेरी थोड़ा बहुत लेट ज़रूर आती है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, तभी मैं यहाँ पर वीडियो लेकर आता हूँ। फालतू वीडियो मैं कभी यूट्यूब पर अपलोड नहीं करता। दोस्तों, इस तरीक़ा से हम यहाँ पर फेविकॉल और कीला मार के और इसको इस तरीक़ा से एकदम फिक्स कर लेंगे, तब ये हमारा फर्मा एकदम परफेक्ट बन जाएगा। दोस्तों, आपने यूट्यूब पे वीडियो शायद इसकी देख ली होंगी, लेकिन अभी तक आपने किसी ने आपके लिए संपूर्ण जानकारी इसकी नहीं दी होगी कि इसको हमने किस तरीक़ा से बनाया है। दोस्तों, ये जो फर्मा मैंने बनाया है इससे हम सारा काम इसी फर्मे से करते हैं। अगर हमारा कांतरे का कोई काम होता है तो हम यही फर्मा बनाते हैं और ये फर्मा एकदम परफेक्ट बैठता है 45 डिग्री काटने के लिए। हमें ये फर्मा एकदम परफेक्ट बैठता है। अगर आप चाहो तो आप भी बनाकर इसको ट्राई कर सकते हो। और इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर हम जो हमारी इसकी धार जो बनी है उनको हम हल्का रद्दा मार के और इनको सीधी कर लेंगे, ताकि जो हमारी धार बॉटम से चलेगी वो एकदम बॉटम पे बराबर सट के चले। तो दोस्तों, हम यहाँ पर ये बक्सा बनाकर तैयार कर चुके हैं। आप देख सकते हो कि इसकी जो हमने 2 पट्टी ली थी वो है 130 mm की और तीसरी पट्टी हमारी यहाँ पर 110 mm की है। यही हमारा एक फार्मूला है इस फर्मा को बनाने का। अगर हम पट्टी की चौड़ाई कम या ज़्यादा कर देंगे तो हमारा फर्मा 45 डिग्री का बिल्कुल नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम भी एक दो बार ट्राई इसमें कर चुके हैं। और दोस्तों, यहाँ पर अब आप देख रहे हो कि हम मशीन में इसको फिक्स कर रहे हैं, तो जो हमारी ब्लेड है उससे हमें ये फर्मा लगभग 1 mm लूज रखना पड़ेगा, ताकि हमारी जो ब्लेड है वो इस फर्मे को ना काट सके। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपके लिए और बता देता हूँ, जो हमारी 130 mm की हमने 2 पट्टी इसमें ली है वो एक हमारी जो बॉटम पे चलेगी वहाँ रखनी है और दूसरी हमारी प्लेट के ऊपर की साइड में रखनी है। दोस्तों, यहाँ पर हम 128 mm पर यहाँ पर ये हम फर्मा यहाँ पर बांध रहे हैं बॉटम, ताकि हमारा जो कांतरा है वो बिल्कुल परफेक्ट निकल सके। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको सारी जानकारी देंगे, ये निकाल कर भी दिखाएंगे, आप देख सकते हो, और इस तरीक़ा से आपका फर्मा बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फिर मिलता हूँ अगली बार एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो।